कांग्रेस सोलन में सतपाल सत्ती को दिखाएंगे काले झंडे। सोलन में कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ जमकर किया धरना प्रदर्शन। सोलन कांग्रेस कमेटी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने व लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के विरोध में आज पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा हाईकमान से सतपाल सिंह सत्ती को बर्खास्त करने की व सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी इसकी शिकायत की है। गौरतलब है कि प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तादाद न के बराबर थी, जबकि कुछ समय पहले ही सोलन कांग्रेस में नई कार्यकारिणियों का गठन किया गया था। उसके बावजूद भी चुनिंदा कांग्रेसी ही विरोध प्रदर्शन में दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश का नाम सबके सामने झुकाया है। उन्होंने कहा है कि सतपाल सिंह सत्ती को सबसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मंच से जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग सत्ती द्वारा किया गया है वो निंदनीय है। आज जिला मुख्यालय पे हमारे कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है वो हिमाचल प्रदेश में राजनीति का जो स्तर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गिराने की कोशिश की है उसके खिलाफ है। उन्होंने जिस तरह के अपशब्दों का राजनीति में अभद्र भाषा का जिस तरह से प्रयोग किया है हम उसकी निंदा करते हैं और हम प्रदेश सरकार में जो इनके नेता हैं उनसे मांग करते हैं कि इसको बर्खास्त करें, हम प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करें, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। भारतवर्ष की भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष अमित शाह जी से कि वो उन्हें इमीडिएटली इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए जो है वो निष्कासित करे, वरना उन्हें पता है कि जो ये हीट है ये दोनों के ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चारों सीटें जीतने वाली है, जयराम की कुर्सी भी और सतपाल सत्ती की कुर्सी भी जो है खतरे में है। उस बौखलाहट में इस तरह की जो है अनाप शनाप बयानबाजियां कर रहे हैं। शनिवार को बद्दी की रैली में सतपाल सत्ती प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कितने अभद्र शब्द जो है वो मंच पर से कहे और साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक भावनाओं जैसे कि उन्होंने राधास्वामी सत्संग वालों को भी जो है अपशब्द कहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो माफ़ी मांगे पूरे प्रदेश और देश की जनता से और प्रदेश की जनता से विशेष तौर पर, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में खराब किया है। इस समय पूरे विश्व की नज़र भारत के चुनावों पर है और उस समय ऐसी देवभूमि में हिमाचल जैसी पवित्र जगह पे हमारे जो सतपाल सत्ती जी हैं उन्होंने माँ की गाली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को कड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसके लिए माफ़ी मांगे और चुनाव आयोग उनके रैलियों और उनके प्रचार पर प्रतिबंध लगाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस इनके ऊपर उग्र प्रदर्शन करेगी और जो भी नेता इनका यहाँ पर आएगा उसे काले झंडे दिखाए जाएंगे। सोलन से प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट।